हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 की हिस्ट्री का एनसीईआरटी में। तो हमें यहां से पढ़ना है कच्चे माल की खोज में। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी, वो एक नगरीय जो सभ्यता थी, ठीक है। और नगरों का निर्माण जो है वो हमने देखा किस तरीके से हुआ, किस तरीके से जो है बृहत स्नानागर मोहनजोदड़ो में जो है वो बनाया गया था। इसके अलावा बहुत सारी हमने चीजें देखी, पक्की ईंटों से जो है वो मकान निर्मित होते थे, दो मंजिला इमारत होती थी। इसके अलावा ये लोग जो है, इनका जो मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था, व्यापार था, ठीक है। और व्यापार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, कच्चा माल, ठीक है। तो वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जिन वस्तुओं को ये लोग निर्मित कर लेते थे तो वो क्या होती थी, पक्का माल। इसको जो है वो दूसरे जगह जाकर जो है वो उनका क्या करते थे, निर्यात करते थे, यानी उनको वहां जाकर बेचते थे, ठीक है। और कुछ वस्तुएं जो यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती थी तो उनका क्या करते थे, उनका करते थे आयात, ठीक है। आयात यानी कि चीजों को लेकर आना, वस्तुएं खरीद कर लेकर आना। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। तो कच्चा माल क्या होता है, जिससे कि वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई। लकड़ी से जो है वो हमें क्या बना हुआ मिलता है, फर्नीचर। हम घरों में देखते हैं फर्नीचर मिला बना होता है, जैसे दरवाजे हैं, खिड़की है, ठीक है, सोफा है, बेड है। तो ये सब क्या है, ये पक्का माल है। और इसके लिए कच्चा माल क्या था, लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। धातुओं में जैसे कि वर्तमान में हम देखते हैं लोहा, उस वक्त तो लोहे की खोज नहीं हुई थी, लेकिन वर्तमान में जो लोहा है, तो लोहा हम देखते हैं किन किन कामों में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो धातुओं में लोहा जो है वो कच्चा माल हो गई, इससे निर्मित जो चीजें होंगी वो पक्का माल हो गई। इनमें फिर कई तरीके की चीजें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किया गया जो कपास है, अब ये कपास जो है वो कच्चा माल है, और इससे बाद में जो है कताई बुनाई जो है करके कपड़ा तैयार किया जाता था, ठीक है। तो कपास जो है वो कच्चा माल हो गया और कपड़ा जो तैयार हो गया वो पक्का माल हो गया। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं पर मिल जाती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पदार्थ जैसे, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का भी दूर दूर से क्या करते थे, आयात करते थे, ठीक है। उसके लिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते होंगे। तो तांबे का जो आयात जो है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में, जो खेतड़ी जगह है हम देखते हैं राजस्थान में, तो वहां तांबा बहुत आयात मिलता है। तो राजस्थान से ही जो है वो हड़प्पा के लोग यहाँ से लेकर जाते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश जो है ओमान, यहाँ से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो इम्पोर्टेंट लाइन है एग्जाम के लिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है तांबे का आयात कहाँ कहाँ से करते थे। तो एक तो जो है वो राजस्थान से करते थे, और दूसरा जो है वो एशियाई देश जो ओमान है, यहाँ से तांबे का आयात किया जाता था, ठीक है। कांसा बनाने के लिए जो है तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो यहाँ पर जो तांबे के साथ में जो टीन मिलाई जाती थी, तो कांसा जो है वो बनाने के लिए, कांसे की हमने देखे बहुत सारी जो है चीजें बनाई जाती थी, ठीक है। तो कांसा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तांबा प्लस टीन, ठीक है। तो तांबा तो खेतड़ी राजस्थान से मिल गया, ओमान से मिल गया। अब जो है दूसरी बात क्या हो गई कि जो टीन है, टीन का जो आयात है वो कहाँ से होता था, ईरान से होता था, ठीक है, अफगानिस्तान से होता था। सोने का आयात आधुनिक जो है वो कर्नाटक है, वहां से होता था। और बहुमूल्य पदार्थ का आयात जो है वो गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से होता था। तो ये जो पैराग्राफ है ये मोस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, तो इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते होंगे। तो यहाँ पर जो है वो हम चित्र देखेंगे, चित्र में हमें जो है वो देखकर थोड़ा अंदाजा लगेगा कि ये लोग जो है वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाते थे तो कैसे जाते होंगे। तो ये इस तरीके से देखिए, ये समझ लीजिए कि बैलगाड़ी जो थी उसका प्रयोग करते होंगे, ठीक है। बैल जो था यहाँ का पशु था, उस वक्त पालते होंगे ये लोग। और इस तरीके से जो दिखाई दे रही है जो खिलौना के रूप में, इसका मतलब बैलगाड़ी भी होती होगी, जहां एक जगह से दूसरी जगह ये जाते होंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो एक मोहर है, मोहर जो है ये मोहर है, ठीक है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, जो नगर में जो लोग रहते थे, भोजन क्या करते थे, किन किन जो है चीजों का प्रयोग करते थे खाने में,
लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। हालांकि नगरीय व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो गांव में रहा करते थे। और जो गांव में रहते हैं ग्रामीण लोग जो होते हैं, नगरों वाले तो व्यापार करते थे, लेकिन गांव में रहने वाले क्या करते होंगे, खेती करते होंगे, पशुपालन करते होंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो कृषि भी होती थी, ठीक है, ये हमने देखा। पशुपालन भी होता था, पशुओं के जो है वो हमने मुहरों पर चित्र देखे, ठीक है, और व्यापार भी होता था। लेकिन यदि मुख्य रूप से पूछा जाए एग्जाम में, तो हमें यहाँ पर व्यापार वहां पर सही आंसर करना होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आप याद रखिएगा। लोग नगरों के अलावा जो है वो गांव में रहते थे, वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो हैं कौन कौन सी फसलें उगाते थे। गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। यदि सिंधु घाटी सभ्यता को आपको समझना है, तो जो आधुनिक समय है बिल्कुल इससे कंपेयर करके चलें, आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगी। जैसे आज लोग नगरों में ज्यादा निवास करते हैं, गांवों में कम, उसी तरीके से जो है सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है, वहां की दशा थी। ठीक है, यहाँ पर आज जो है वो गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, इसके अलावा भी कई जो है चीजें उगाते हैं गाँव में, तो उस वक्त भी ये चीजें होती थी। व्यापार जो है आजकल बहुत चरम सीमा पर है, उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में था। ठीक है, मकान जो है वो अब पक्के हैं, उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में थे। तो बिल्कुल हमें जो है आधुनिक समय की जो सभ्यता है, उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई देती थी। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान जो है वो पुरुष होते हैं, महिलाएं तो नहीं होती हैं। ठीक है, तो हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी, यानी हड़प्पा में ये नहीं पता लग पाया है कि उस वक्त भी जो है वो पुरुष ही केवल हल चलाते थे या महिलाएं भी चलाती थी। इतना पता लगता है कि वो लोग भी जो है वो कृषि करने के लिए हल का प्रयोग करते थे। ठीक है, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। अब लकड़ी के बनाए जाते थे, तो लकड़ी हम देखते हैं कई वर्षों तक पड़ी रहती है, तो उसमें जो है कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, तो ये समाप्त हो गई होगी। हल के आकार के खिलौने मिले हैं, तो इससे पता लगाया जा सकता है वो लोग हल प्रयोग में लेते थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग जो है वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब चरगाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में जो है दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे जो है बेर जैसे फलों का इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। गुजरात में हड़प्पा काली नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो गुजरात में भी जो है वो हड़प्पा कालीन नगर हमें मिले, हमने मैप में भी देखा था। तो कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ भी थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर जो है वो दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर जो है वो तीन भागों में विभक्त था। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट लाइन हो गई कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो जहां पर नगर दो भागों में बटे हुए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक जो है वो पश्चिमी जो है टीला था, पश्चिमी जो है वो नगर था, इसको जो है नगर दुर्ग कहा गया, ऊंचाई पर बना हुआ था। ठीक है, छोटा था, और यहाँ पर जो है जो कि पूर्वी टीला था जो बड़ा था, और इसको जो है निचला नगर कहा गया था। यहाँ पर जो है अहम लोग रहते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पर्सन थे वो रहते थे, और यहाँ पर जो है वो आम जनता निवास करती थी। लेकिन धौलावीरा एक नगर था जहां पर जो है यह नगर जो है वो तीन भागों में बटे हुए थे। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो यहाँ पर तीन भागों में थे, ठीक है, तीन भागों में नगर थे। तो यहाँ जो भी भाग था उस में जो है हर हिस्से के जो है वो चारों तरफ पत्थर की जो है ऊंची ऊंची दीवारें जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो ऊंचाई पर बना हुआ था पश्चिमी नगर, यही जो है वो दुर्गीकृत था। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ठीक है,
गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे जो है बसा लोथल नगर। ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ठीक है, अब हमने जो है धोलावीरा के बारे में देखा। महत्वपूर्ण लाइन क्या रही उसमें कि वहां पर नगर जो है तीन भागों में बटा हुआ था, वो इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, गुजरात में है धोलावीरा, गुजरात में ही दूसरा नगर जो था लोथल नगर, इसकी इंपॉर्टेंट लाइन क्या रही कि यहाँ पर कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। अब इस लाइन का मतलब ही क्या है कि व्यापार की दृष्टि से लोथल जो है वो महत्वपूर्ण रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कीमती पत्थर जो है वो आसानी से जो है वो मिल जा रहा है कच्चे माल के रूप में। तो अब ये कच्चा माल जो है वो कीमती पत्थर जो है वो क्या होता होगा, यहाँ से निर्यात किया जाता होगा, यानी यहाँ से जो है दूसरे देश में जो है वो बेचा जाता रहा होगा। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। यानी कोई भी चीज जो कि जब हम देखते हैं कोई भी चीज जो है वो खरीदी जाती है, बेची जाती है, दूसरे देशों से आती है, तो इस तरीके से जो है मोहर या ठप्पा जो है वो लगा होता है, मोहरबंदी लगी होती है। ठीक है, तो वो मोहरबंदी गीली मिट्टी पर जो है वो दबाने से बनी उनकी छाप जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिली है। लोथल का बंदरगाह, यहाँ पर चित्र जो है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये गुजरात में जो नगर है लोथल, तो ये है यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से जो है वो आते होंगे लोग जो है जहाजों पर, और यहाँ पर जो है वो सामान जो है वो उतारा जाता होगा। ठीक है, कच्चा माल जो है वो यहाँ से जो है वो जाता होगा, इस तरीके से जो है वो ये हमें पता लगता है। तो यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें यहाँ रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल जो है वो चढ़ाया उतारा जाता होगा। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे कि जो समुद्र होता है उसके किनारे जो भी बसे नगर होते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है चीजें जो है वो यहाँ से क्या होती होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो होती होगी, उसी तरीके से वहां पर भी होता था। ठीक है, यहाँ पर एक इमारत मिली जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो लोथल के बारे में जो गुजरात में, तो उसकी दो इंपॉर्टेंट लाइन क्या हमने देखी, एक तो वहां बंदरगाह और दूसरा मनके बनाने का काम भी वहां होता था। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहर बंदी, तो देखिए मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। ठीक है, कि मोहर लगा दी, हाँ अब ये जो है वो हमारी चीज है और इस पर जो है वो हमारा जो है चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर जो है वो गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को क्या कहा जाता था, मोहर बंदी। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ जो है छेड़छाड़ नहीं हुई है। बिल्कुल आज की तरह ही देख लीजिए, कोई भी चीज जो है वो हम जब हम पोस्ट करते हैं तो जब वहां जाते हैं पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो इस तरीके का जो है वो मोहर वगैरह जो है वो लगा दिया जाता है। ठीक है, और इससे ये पता लगता है कि इस व्यक्ति ने जो है यहाँ से बिल्कुल सुरक्षित भेजी है। ठीक है, और अगली जगह जो है वो जाती है तो इसी तरीके से जो है वो यदि दूसरे व्यक्ति के पास मिलती है तो वो ये बिल्कुल मान लेता है कि हाँ इसको बीच में किसी ने भी छेड़खानी नहीं की है। ठीक है, इस तरीके से जो है मोहरबंदी का प्रयोग वो लोग करते थे। सभ्यता के अंत का रहस्य, अब इतनी अच्छी सभ्यता फिर भी ये नष्ट हो गई, क्यों? लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इस नगरों को छोड़ दिया। अब अचानक क्यों छोड़ दिया, कारण रहे होंगे, लेखन, मोहर, बांटों का प्रयोग जो है वो बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। ठीक है, इतनी अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर, अब यहाँ ढेर बनने लग गए। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर जो है वो बनाए जाने लगे। लोग जो है वो वहां पर छोड़ छोड़ कर जो है सड़कों के किनारे ही जो है वो अपने झुग्गी नुमा जो है वो घर जैसे तैसे बनाने लग गए। ठीक है, ताकि जो है वो जीवन निकाल सके। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अब पानी खत्म हो गया तो उस जगह पर रहने का भी क्या फायदा, तो लोग वहां से क्या करेंगे, उस जगह से दूसरी जगह जो है वो चले जाएंगे। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इनका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान जो है वो समाप्त हो गए। ठीक है, पानी खत्म हो गया। ठीक है, चारागाह, घास वाले मैदान समाप्त हो गए,
कुछ इलाकों में तो बाढ़ ही आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। यानी जहां पर बाढ़ आ गई वहां का तो पता लगता है कि यहाँ पर लोग जो है यहाँ से निकल गए होंगे, ठीक है, कहीं पर जो है वो चारागाह घास समाप्त हो गए, तो लोग जो है वो अब मवेशियों को कहाँ पर चराएंगे, तो वहां से भी हट गए होंगे। लेकिन सभी नगर एक साथ इनका अंत हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि शासकों का जो है वो नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां जो है वो उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, और इनके बारे में जो है वो हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अन्यत्र में जो है देखिए यहाँ पर कुछ जो है वो खोजने के लिए कहा जाता है 6 क्लास के बच्चों को। ठीक है, तो आपको भी खोजना चाहिए। अपने एटलस में मिस्र जो है ढूंढो। ठीक है, तो मिस्र जो है वो कहाँ मिलेगा हमें? अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा। आप ढूंढिएगा नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग जो है वो कैसा है? रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें जो है वो पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो आप भी सभी जानते हैं पिरामिड, जो कि कहाँ के प्रसिद्ध हैं? मिस्र के। ठीक है, मिस्र के पिरामिड। तो ये पिरामिड जो है वो ये ट्राइंगल आकार के जो है वो बनाए जाते हैं। बनाए क्या जाते हैं कि ये जो जो भी राजा महाराजा होते थे तो उस टाइम की, तो जब वो मर जाते थे तो उनके जो शव होते थे उनको जो है वो दफना दिया जाता था। तो यहाँ पर जो है एक एक करके जो है वो दफना दिए जाते थे। तो इस तरीके से जो है वो क्या बन जाता था, एक पिरामिड की तरीके से ये बन जाता था। ठीक है, राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता था। और आप देखिए कई जो है मूवीज जो है मैंने भी देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी, तो उसमें भी हमें दिखाई देता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी कि उनकी प्रिय वस्तु जो होती थी वो भी उनके साथ दफना देते थे, जैसे कि खाद्यान्न है, पेय वस्त्र है, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर। कभी कभी शव के साथ उसके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत जो है वो खर्च किया जाता था। ठीक है, ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट होता है। अब चलिए हमेशा की तरह देखते हैं अभ्यास प्रश्न में, क्या हम इनको हल कर पा रहे हैं। उपयोगी शब्द देखिए, नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। तो इन सभी की बात हमने की है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिनसे हम अपरिचित हैं। सबसे पहले है कि पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। तो हमने जो है पत्थर की मूर्ति जो व्यक्ति की देखी थी उसमें हमने देखा था कि वो जो व्यक्ति है वो एक बहुत ही डिजाइन वाला जो है वो वस्त्र पहने हुए था। ठीक है, जिसमें फूल की डिजाइन बनी हुई थी। ठीक है, तो वो मूर्ति से ही हमें पता लग जाता है कि कपड़े का उपयोग वो करते थे। निम्नलिखित का जो है सुमेल करें, तो तांबा मैंने आपको बताया कि राजस्थान में जो क्षेत्रीय जगह है वहां से आयात जो है किया जाता था, हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। सोना जो है वो कहाँ मिला है? कर्नाटक में मिला है। ठीक है, टीन जो है वो कहाँ पर बनाई जाती थी, कहाँ से जो है इसका आयात किया जाता था? तो इसका आयात जो है वो अफगानिस्तान से किया जाता था। और फिर हमने जो है लोथल जगह जो देखी थी, तो यहाँ बहुत सारी जो है वो बहुमूल्य पत्थर मिलते थे, तो इसका निर्यात होता था गुजरात के लोथल जगह से। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आप याद रखिएगा। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? तो हमने कई चीजें देख ली। धातुएं जो भी कच्चा माल के रूप में ये लोग प्रयोग में लाते थे, उनसे बहुत सारी चीजें बनाते थे। ठीक है, लेखन जो है वह भी महत्वपूर्ण रही। पहिया जो है, अब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो पहिया जो है वो चाहिए ही होगा। ठीक है, जैसे हमने वो चित्र देखा था, कैसा देखा था हमने? बैलगाड़ी जैसा खिलौनों के रूप में। हल देखा हमने, मिट्टी का हल जो है वो बना हुआ था, तो ये भी महत्वपूर्ण था क्योंकि कृषि होती होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है। महत्वपूर्ण तिथियां जो है उनको भी देखिए। मेहरगढ़ जो है उसमें कपास की खेती जो है लगभग 7000 साल पहले हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, नगरों का आरंभ जो है वो 4700 साल पहले हुआ, और सबसे पहला हमने देखा हड़प्पा, फिर हमने मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत जो है 3900 साल पहले हुई। क्यों हुई? हमने देख लिया घास के मैदान जो है वो समाप्त हो गए। ठीक है, जंगल नष्ट हो गए, बाढ़ आ गई होगी,
अन्य नगरों का विकास जो है वो 2500 साल पहले हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर जो है वो अच्छे से हमने कंप्लीट किया है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि ये जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये मानिए, बड़े से बड़े एग्जाम जो है वो मैंने देखा है, उसमें यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बच्चे क्या करते हैं, छोटी क्लास 6 क्लास जो है उसको कौन पढ़ेगा, उसमें हमें मिलेगा ही क्या, ऐसा सोचकर जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर जब क्वेश्चन आ जाता है तब उनके माइंड में ये रहता है ये क्वेश्चन आया कहाँ से। तो अगर आप बुक को अच्छे से पढ़ोगे और ये नहीं सोचोगे कि छोटी है या बड़ी है, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, अब ये टिन जो है यही पूछ लिया जाए, टिन जो है वो कहां से आयात किया जाता था, आप लोग जो है वो सोचते रह जाओगे, ये सोचोगे हमने तो पढ़ाई ही नहीं है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी आपको ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से चीजें जो है वो हर चीज इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।